अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ये एप्रन बनाने का मौका मिला तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये नीचे वाला हिस्सा हम पहले इसको बनाएंगे, साथ में मैंने इसकी साइड पे पॉकेट रखी है, ऊपर लगाने के लिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग का अरेंज करके रखा है ऐसे ही। अगर कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहता तो इस रियली डोंट माइंड। इसको बाद में मैं इसके पता थोड़ी चुनट डाल के तो फ्रॉक की शेप में ऐसे नाइसली बन जाएगा, पहना हुआ भी अच्छा लगे। तो साइड पे इसकी डोरी जो कि कमर पे पीछे बांधने के लिए होगी, तो ये चेस्ट के लिए बनेगा ऊपर वाला हिस्सा, उसको शोल्डर की कटिंग के लिए मैंने निशान लगाया है और वो गले के ऊपर फिट रखेगी, तो ये गले में पहनने वाला ऊपर वाली डोरी। तो अभी ये सिर्फ कटिंग करी है, तो जब ये थोड़ा कंप्लीट होगा सिलाई करके तो फिर मैं आपको दोबारा नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ। मैंने बनाना शुरू किया था तो ये फाइनली मैंने आज कंप्लीट कर लिया, टाइम की कमी की वजह से कल वहीं पे छोड़ना पड़ा। तो अब ये माशाल्लाह कंप्लीट होकर बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहना हुआ भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखने में आपकी कमीज़ भी ख़राब नहीं हो और आपकी लुक्स भी अच्छी लग रही हो। तो ये इसकी दो पॉकेट्स, ये साइडों की डोरियाँ बन जाएंगी वो गले में पहनने के लिए। तो फिर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगा, अगर ना आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और ट्राई करने की कोशिश करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।